वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केम स्टार पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं एक वीडियो जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है और नेट एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, और साथ ही ये सेट एग्ज़ाम 2012 में भी पूछा गया है, महाराष्ट्र के सेट एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व किया है, उसी ट्रिक्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, Among the following species, the one having the highest bond order and bond strength is. So friends, we have 4 species as you are seeing on the screen. Okay, these 4 species are O2, O2 minus, O2 plus and O2 2 minus. ये 4 species हम लोगों को दिया गया है और पूछा गया है कि इन 4 species में से bond order सबसे ज़्यादा किसका है और bond strength सबसे ज़्यादा किसका है। कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ लिया जाता है, तो उसका ये एक एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपने ट्रिक्स को, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारा ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हमारा ट्रिक है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमारे टोटल हमारे मॉलिक्यूल्स का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 14 तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 15 तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, एंड इफ़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16 देन बॉन्ड ऑर्डर इज 2, एंड इफ़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17 देन बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, एंड इन केस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 देन बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। मैंने अपने 2-3 पिछले वीडियो में भी इसे डिस्कस किया है, तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे तो ये ट्रिक ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, इसे आपको मेमोराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्पीसीज हमें दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं और हर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन के दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर प्लस कर लेंगे, उसे ही कहते हैं सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड सेकेंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 + 8 = 16, तो हमारा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 16, इसीलिए हमारे ट्रिक टेबल में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसीलिए हमारे फर्स्ट स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। तो हमें फर्स्ट स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर मिल गया है 2, और चलिए आगे बढ़ते और देखते सेकेंड स्पीसीज क्या है। सेकेंड स्पीसीज है O2 प्लस मॉलिक्यूल, इसमें भी हम वही करेंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 + 8। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हर एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 + 8, उसके साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसीलिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे +1 है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1। अगर आपको डोनेट और एक्सेप्ट का फंडा नहीं समझता, सो सिंपली आप यहाँ पे चार्ज देखें, अगर +1 है तो यहाँ पे -1 करें, अगर +2 है तो यहाँ -2 करें, अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 करें, अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 करें। तो चलिए देखते कितना हुआ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 + 8 = 16, -1 = 15, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 15। एंड लेट्स सी इन आर ट्रिक टेबल, इफ़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 15 देन वॉट विल बी आर बॉन्ड ऑर्डर। सी हियर दिस, फॉर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 वी हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5, सो सिंपली वी विल राइट हियर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
O2 प्लस मॉलिक्यूल इज 2.5। तो हमारा दूसरा स्पीसीज भी सॉल्व हो गया और उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्पीसीज को देखते हैं। तीसरा स्पीसीज सी O2 माइनस है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा स्पीसीज है O2 माइनस 1, चलिए इसमें भी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 प्लस 8, और जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज हो तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। माइनस चार्ज इसलिए है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस चार्ज इसलिए है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस 1 कर लेंगे। तो 8 प्लस 8 16 एंड प्लस 1 17, तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 17, और 17 सम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। चलिए हमारे तीन स्पीसीज को हमने सॉल्व कर लिया है, अब देखते हैं चौथा स्पीसीज क्या है। चौथा स्पीसीज है O22 माइनस। O22 माइनस, तो इसमें भी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के आइटम्स होते हैं, तो हर एक ऑक्सीजन आइटम्स के लिए एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 8 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, इसके लिए यहाँ पे प्लस 2 करेंगे क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, और हमारे ट्रिक टेबल में 18 सम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो हमने चारों स्पीसीज को सॉल्व कर लिया और चारों स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सेकंड स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 एंड थर्ड स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 एंड फोर्थ स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो हमारे क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया, चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज द वन हैविंग द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज। चारों स्पीसीज ने पूछा है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है और सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है। तो चारों स्पीसीज में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है हमारा सेकंड स्पीसीज का। सेकंड स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है O2 प्लस का, और तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। और उसके साथ ही देखिए दूसरा पूछा है सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे, इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए अगर हमारे O2 प्लस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है O2 प्लस, और हमारे चार ऑप्शन में से हम करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे और हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा बार 2-3 बार देख लेते हैं, वीडियो को समझ जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल केमस्टार को, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके नेट के प्रिपरेशन में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, खुश रहिए और प्रिपेयर करते रहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय।